प्रभाग 2 कपिलनगरमध्ये गेल्या 35 वर्षापासून गडर लाईनचे काम झालेले नसून गडरचे पाईप खराब झालेले आहे. भर उन्हाळ्यात गडरचे पाणी रस्त्यावर आल्याने नागरिक संतप्त आहे. आता तरी प्रशासनाने या गंभीर विषयाकडे लक्ष द्यावं अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मैं कमलेश चकुले. कपिलनगर प्रभाग 2 में की समस्या ऐसी है. कपिलनगर की समस्या तो पिछले 40 साल से जो गडर की पाइपलाइन बदली नहीं गई है और पूरी मर्ज हो गई है गडर लाइन और पाइपलाइन भी पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसका नतीजा अभी धूपकाले में हमारे को दिख रहा है यहाँ पे. और लोगों के घर के सामने गडर का पानी बहुत बुरी तरह से, पूरा गंदा पानी लोगों के घर के सामने आ रहा. रोज़ कॉरपोरेशन वाले को फ़ोन करके बुला रहा हूँ, वो आ रहे हैं अपना साफ कर रहे हैं, फिर भी वही हो रहा है. मैं काफ़ी 4 दिन से दवाई वाले को दवाई मारने के लिए बुला रहा हूँ, वो भी दवाई मार के जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या अभी धूपकाले में ही है तो आने वाले बरसात में क्या होगा. इसलिए प्रशासन यहाँ के 20 साल से जो नगर सेवक है या MLA है, इन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे. तो अभी जनता में इतना आक्रोश आ गया कि अभी गडर का कैसा करना. और कपिल नगर में कोई दूसरी कोई समस्या नहीं है, सबसे ज़्यादा यहाँ गडर की समस्या है. अगर गडर की पाइपलाइन नहीं बदलेंगे तो आने वाले 1 महीने के बाद में जो बारिश चालू होंगी, बारिश में काफ़ी समस्याएँ, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाएंगी. यहाँ कम से कम ये जितने दायरे में पानी बह रहा है, कम से कम 16 से 17 बच्चे या छोटे छोटे, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन लेता है या और कोई लेता है? यहाँ के नगर सेवक जो 20 साल से वो लेते हैं, यहाँ के MLA लेते हैं या और कौन लेता है? तो इसकी जानकारी हमें दे. हमें प्रशासन से आयुक्त को काफ़ी पत्र दे चुके हैं, कपिल नगर, कामगार नगर, और लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फ़ोन कर दें कि गडर भर गई, गडर भर गई, गडर लाइन ख़राब हो गई, गडर ख़राब हो गई, पूरी गडर मर्च हो गई है, पूरी ध्वस्त हो गई है अंदर से. जो गडर का पानी आगे बह ही नहीं रहा, वो घर के माध्यम से बाहर रोडों पे आ रहा है. अभी जनता बताएंगे आपको. और भी कुछ आपने कहीं एप्लीकेशन या कंप्लेंट वगैरह डाली है? भी काफ़ी चर्चा हुई है और काफ़ी ऊपर तक के भी बातचीत हुई है कि इसकी गडर लाइन बदली जाए, लेकिन यहाँ के जो अभी तक के जो नगर सेवक थे उन लोगों ने इस चीज़ के लिए कभी ध्यान ही नहीं दिए. क्योंकि एक तो गडर की समस्या, ऊपर से जो लोगों ने गडर के ऊपर में बांधकाम किए हुए, वो भी एक गैरकानूनी तरीके से बांधकाम किए कि गडर वाले, साफ करने वाले सफाई कर्मचारी भी वहाँ नहीं जा पाते हैं.